से बात मथुरा की करेंगे क्योंकि वहां पर इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिया गया शख्स शाही ईदगाह मस्जिद में कांवड़ लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आज हिंदू महासभा ने ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ करने की धमकी दी है और इसे लेकर पूरे मथुरा में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है ताकि किसी भी तरह से अनहोनी घटना को टाला जा सके। अयोध्या प्रयागराज और सुनो, पवित्र जल लेके आए हम। बोलो ना अपनी बात, अनुमति को योगी जी फूल बरसा रहे हैं और क्या योगी जी फूल बरसा रहे भाई साहब। अरे भाई साहब बोल नहीं सकते, योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? तो ये तनावपूर्ण स्थिति मथुरा में बनी हुई है। वहां पर किस तरीके से तनाव है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। ईदगाह के बाहर एक शख्स को पकड़ा गया है, वो क्या कुछ कह रहा था आपने सुना है, कैसे वहां पर इस वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद में घुसने की कोशिश में ये शख्स था और अब इस कांवड़ को हिरासत में ले लिया गया। कहाँ जाना चाहते हो आप? क्या क्या करना चाहते हैं? हम लड्डू गोपाल में अपना अभिषेक करना चाहते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करना है। अयोध्या प्रयागराज और सुनो, पवित्र जल लेके आए हम। बोलो ना अपनी बात, अनुमति को योगी जी फूल बरसा रहे हैं और क्या योगी जी फूल बरसा रहे हैं भाई साहब? अरे भाई साहब एक बार बोल नहीं सकते, योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? कहाँ से जल रहे हो? हम प्रयागराज अयोध्या और सोरो वहाँ से। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये एक ही शख्स है जो इस तरीके से कांवड़ लेकर वहां पर पहुंचा था या फिर जानकारी ये मिल रही है कि और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए नेहा, कई सारे तत्व थे और कुछ संगठन थे जो माहौल खराब करना चाहते थे। ये एक शख्स जब पहले ही पहुंच गया लोटा लेकर के, तो इन्होंने कहा कि हमें जो है यहाँ पर शुद्धिकरण करना है। प्रशासन ने इसको रोक लिया। हालांकि कल से ही चुकी है, कई सारी चेतावनी दी गई थी कुछ तत्वों द्वारा कि वो ईदगाह पर जाकर के जल चढ़ाएंगे, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो इसके चलते रातों रात ही जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो प्रशासन ने कर लिया। कई सारे लोगों का जब तक पुलिस पहुंचती वो पहले ही जो है फरार हो गए, गायब हो गए। तो जो मंदिर और ईदगाह के आसपास का इलाका है वहां पुलिस का बंदोबस्त जो है काफी तगड़ा है, ईदगाह के आसपास भी, और जो 144 लगाई गई है कि ज्यादा लोगों का जमावड़ा ना हो। तो आप जी, एक पर्टिकुलर जो एरिया है जन्मस्थान से लेकर के ईदगाह के इलाके में, वहां पुलिस का पहरा काफी घना है, लेकिन बाकी मथुरा में हालात बेहद सामान्य है। लोग जस के तस घरों से निकले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, सड़कों पर ट्रैफिक लौट आया है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने 6 दिसंबर के तहत देखते हुए कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल से ही पुलिस वहां पर मुस्तैद है, ताजा माहौल आपने देख लिया है। अब हम आपको कल से अब तक की घटना पर ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, आसमान से ड्रोन के जरिए शहर पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के जवानों को उनके अफसर खास हिदायत दे रहे हैं। फोटो खींच रहे और वीडियो बना रहे हो?
ये सब इंतजाम इशारा कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। जी हाँ, आज 6 दिसंबर है, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी। इस मौके पर मथुरा में हिंदू महासभा ने विवादित ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। इस ऐलान से शहर का माहौल खराब न हो, इस वजह से कल से ही मथुरा पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की टीमें चारों चप्पे चप्पे पर गश्त कर रही हैं। मथुरा जिले में धारा 144 लगा दी गई है। सिविल पुलिस, पीएसी तथा ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी साथ ही साथ इसमें लगी हुई है। जनपद में धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। पुलिस के इन इंतजामों से हिंदू महासभा बिफरी हुई है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोकने पर आत्मदाह की धमकी दी है। मैं मथुरा प्रशासन से बार बार कहना चाहता हूं कि हमारे इस हनुमान चालीसा कार्यक्रम को शांतिपूर्वक हमें करने दें। हम यदि हनुमान चालीसा कार्यक्रम अपने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? मथुरा प्रशासन बताए, जब हमारे रामराज में भाजपा सरकार में भी हम अपना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, तो बहुत ही दुखद है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेशाध्यक्ष युवा ब्रजेश भदौरिया का एक वीडियो वायरल हुआ है। कांवड़ के साथ नजर आ रहे वीडियो में भदौरिया ने मथुरा के शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया है। काशी से संगम से जल एकत्रित किया और सोरों में पहुंचकर इसको कांवड़ के रूप में आज हम यहां से उठा रहे हैं और 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जो शाही ईदगाह है, जो पाप की निशानी है, जिसको मुगल आक्रांताओं ने अतिक्रमण करके बनाया है, उसको इस जल से पवित्र करेंगे तथा लड्डू गोपाल को विराजमान करके उनका जलाभिषेक करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद से ही मथुरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। आगरा से अरविंद शर्मा और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।